गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे यू विल स्टडी अबाउट द CIS, कार्सिनोमा इन सिटू। मैंने आपको बताया था भाई कैंसर की तीन फॉर्म्स है, बेनाइन CIS और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर होता है, CIS दोनों के बीच वाली स्टेज है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के अंदर तो एक जगह पर लोकलाइज रहता है और बाद में अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो हो सकता है ये मैलिग्नेंट कैंसर का रूप ले ले। कार्सिनोमा इन सिटू में कार्सिनोमा का मतलब कैंसर और इन सिटू का मतलब होता है इन इट्स प्लेस, जो अपनी ही जगह पर रहता है। जब डिस्प्लास्टिक चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं और पूरे एपिथीलियम को कवर कर लेते हैं पर उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली जगह पर ही रहते हैं तो इसको हम प्री इन्वेजिव नियोप्लाज्म या कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। तो CIS का दूसरा नाम क्या है? प्री इन्वेजिव नियोप्लाज्म, मतलब वो बाद में हो सकता है इन्वेड कर जाए, आसपास फैल जाए, पर स्टार्टिंग में ये एक ही जगह पर रहता है। तो इन्वेजन से पहले की स्टेज है प्री इन्वेजिव नियोप्लाज्म, जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू भी कहते हैं। तो ये उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन तक कन्फाइंड रहता है या बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा कन्फाइंड रहता है, जबकि पूरी एपिथीलियम की थिकनेस को ये कवर कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। एक बार ट्यूमर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को काट फाड़ देता है, यानी वहाँ से फैल जाता है, तो हम उसको इन्वेजिव कह देते हैं। अगर उसी जगह पर रहता है, कन्फाइंड रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा, तब तो हम उसे कह रहे हैं CIS, और एक बार उसको ब्रीच कर दिया, उसमें छेद करके फैल गया, तो उसको हम कहते हैं इन्वेजिव कैंसर। अब इसी कार्सिनोमा इन सिटू को हम CIN भी कहते हैं, जब ये सर्विक्स के अंदर हो रहा होता है, तो सर्वाइकल इंट्रा एपिथीलियम नियोप्लेसिया। हालांकि पहले हम इसको सर्वाइकल इन्वेजिव कार्सिनोमा कहते थे, पर आजकल हमने इसका नाम बदल करके CIN लिख दिया, और इसी में एक स्टेज आती है डिस्प्लेसिया। अब देखिए CIN में माइल्ड डिस्प्लेसिया होता है, तब ये केवल एपिथीलियम की लोअर 1/3 लेयर को ही कवर करके रखता है। स्टेज सेकंड के अंदर इसमें मॉडरेट डिस्प्लेसिया हो जाता है और ये मिडल 3rd एपिथीलियम को कवर कर लेता है। स्टेज 3rd के अंदर ये इसमें सीवियर डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है, तब ये अपर 3rd पार्ट तक के इन एपिथीलियम को कवर कर लेता है। ये CIN है। अगर अब हम ट्यूमर को क्लासीफाई करें तो ट्यूमर में मैंने बताया कि भाई एक तो बिनाइन है, एक मैलिग्नेंट है। जब ये कनेक्टिव टिश्यू और मेसेनकाइमल ओरिजिन से कवर या उनसे ओरिजिनेट होता है, तो इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ते हैं? बिनाइन में अगर ये ट्यूमर हो रहा है तो फाइब्रोमा, जबकि सेम ट्यूमर कैंसर कॉज वाला है तो उसको हम फाइब्रोसार्कोमा कहते हैं। लिपिड का ट्यूमर लाइपोमा, कैंसर लाइपोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसाइट्स का कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। बोन का ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा वर्ड हम लगा रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू और मेसेनकाइमल ओरिजिन का कैंसर है या ट्यूमर है इसलिए। अब एपिथेलियल ट्यूमर जब हम लेंगे तो मैंने आपको बताया कार्सिनोमा टर्म यूज़ करनी है मैलिग्नेंसी केस में, बिनाइन में तो ओमा ही लगा रहे हैं। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर है तो स्क्वैमस सेल पैपिलोमा, कैंसर है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल स्किन का है तो ट्यूमर होता ही नहीं भाई स्किन के अंदर कभी भी, इसलिए ट्यूमर में हमने कुछ नहीं लिखा, बेसल सेल कार्सिनोमा। अब ग्लैंड या डक्ट से जुड़े हुए कैंसर है तो ट्यूमर को एडिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। पैपिलोमा, पैपिलो कार्सिनोमा। सिस्टाडिनोमा, सिस्टाडिनो कार्सिनोमा। रेस्पिरेटरी पैसेज का है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। रीनल एपिथीलियम का है तो रीनल ट्यूबुलर एडिनोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा। लिवर, लिवर सेल एडिनोमा, लिवर सेल कार्सिनोमा। यूरिन ट्रैक में ट्रांजिशनल, क्योंकि यूरिन ट्रैक की लाइनिंग किसकी होती है? ट्रांजिशनल सेल की बनी होती है, तो ट्रांजिशनल सेल पैपिलोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। प्लासेंटल एपिथीलियम का हाइड्रिडिफॉर्म मोल कहलाता है, भाई ये नाम याद रखिए, इसको वेसिकुलर मोल या हाइड्रिडिफॉर्म मोल कहते हैं। फीमेल्स के अंदर पाया जाता है प्लासेंटल एपिथीलियम के ट्यूमर को कह रहे होते हैं। एक तरह का ट्यूमर है ये, वैसे ट्यूमर तो नहीं होता, इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था ये टॉपिक सिस्टमिक में, अपन ने पढ़ा था हाइड्रिफॉर्म मोल, तो वहाँ देखिए क्या चीज़ है।
पर इसी कैंसर को हम कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। टेस्टिकुलर एपिथीलियम में ट्यूमर होता ही नहीं है, तो इसको हम सेमिनोमा, और एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा कहलाता है। अब थोड़ी बहुत हम डिजीजेस पढ़ लें इस कैंसर से जुड़ी हुई, जिसमें कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, ऐसी डिजीजेस जैसे प्री नियोप्लास्टिक वो डिजीज़ हैं, और आगे वो नियोप्लाज्म कॉज करती, तो कौन सा कॉज करती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया कॉमनली देखने को मिलता है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज़ किसी को हो जाए स्किन की, तो उसको स्किन का स्क्वैमस कार्सिनोमा होने का चांसेस बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्टिनिक डर्मेटाइटिस स्किन का डिसऑर्डर है, इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन हो जाता है, लिवर सिरोसिस में हिपैटिक सेल कार्सिनोमा के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, तो उसमें कोलन कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ रहे हैं, पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन हो जाए तो ऑस्टियोसारकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैंसर की एपिडीमियोलॉजी देखिए भाई, एपिडीमियोलॉजी के स्टडीज़ जो है वो करवाई जाती है, जैसे स्मोकिंग लंग कैंसर से जुड़े हुआ केस है भाई, स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं उनमें लंग कैंसर कॉमनली पाए जाते हैं, प्लस इसके अलावा ये माउथ फेरिंग्स लैरिंग्स ईसोफेगस पैनक्रियाज ब्लैडर के कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लगभग 90% डेथ जो है वो लंग कैंसर की वजह से देखने को मिल रही होती है उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, हालांकि ये बाकी कैंसर भी स्मोकिंग वजह से हो रहे हैं, मुंह का कैंसर फैरिंग्स वगैरह का, पर 90% लंग कैंसर से डेथ देखने को मिलती है। या फिर जो लोग हाई डाइटरी फैट या लो फाइबर रिच डाइट ले रहे होते हैं तो उनमें कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, एल्कोहल कंजम्पशन जो ज़्यादा करते हैं उनमें ओरोफेरिंग्स लैरिंग्स ईसोफेगस या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ते हैं, एल्कोहल टोबैको जो लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं उनमें इनक्योरिंग कैंसर्स का डेंजर बढ़ जाता है अपर एरो डाइजेसिव ट्रैक्ट के अंदर, मतलब डाइजेसिव ट्रैक्ट, ऑब्वियस एल्कोहल टोबैको ले रहे हो तो डाइजेसिव ट्रैक्ट का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी हैं, जैसे कि मोटापा 14% कैंसर डेथ मेन में इसकी वजह से देखने को मिल रहे होते हैं, 20% वुमेन के अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, रेशियल फैक्टर्स, ऑब्वियस रेशियल जब हम बात करते हैं वो हेरिडिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, और कैंसर जेनेटिक्स हमने पढ़ी थी, आगे भी हम पढ़ेंगे कैंसर जेनेटिक्स, तो ये हेरिडिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ नियोप्लाज्म में देखा गया है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है, हालांकि कॉमन नहीं है ये चीज़ पर कभी कभार देखी गई है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट इंटरकोर्स की एज क्या है उससे, और नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर से जुड़ा हुआ, तो सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये दो फैक्टर से जुड़ा हुआ है, एक तो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान उस फीमेल की एज क्या है, और दूसरा नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके होते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेनेरियल ट्रांसमिटेड डिजीज के इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं ना HPV वगैरह के, तो ये सर्वाइकल डिस्प्लेसिया और सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HPV, इसलिए ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, ऐसे डायरेक्ट इनका कोई लिंक नहीं होता है। अब एज जो है हालांकि इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है कैंसर के साथ में, अधिकतर जो कैंसर होते हैं लाइफ के लेटर ईयर्स के अंदर ही देखने मिलते हैं, मतलब 55 साल की उम्र के बाद ही जनरल कैंसर के इंसिडेंस देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ केसेस छोड़ दो तो, और मेन कॉज बन जाते हैं डेथ का वेमेन के अंदर 40 से 79 ईयर एज के अंदर, और मैन के अंदर 60 से 79 ईयर्स ऑफ एज के अंदर कैंसर जो है वो मैन के अंदर कॉमनली देखने को मिल रहा होता है, मतलब ये भी एक एज का रोल हुआ। डेथ डिक्लाइन इन डेथ आफ्टर एज 80 इज ड्यू टू द लोअर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीच दिस एज, कि भाई हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे जो 80 साल की उम्र में कैंसर से मरे, क्योंकि लोग 80 साल तक की उम्र में पहुंचते ही कहाँ हैं, आजकल के जो डाइटरी हैबिट्स है जो लाइफस्टाइल है उसमें इतनी उम्र तो आजकल पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए तो फिर ये भी एक एज का कनेक्शन हुआ कैंसर के साथ में। इसी तरह से कार्सिनोमा जो है वो जनरल कैटेगरी के ट्यूमर एडल्ट्स में जो देखने को मिल रहे होते हैं वो चिल्ड्रन में बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया प्रिमिटिव नियोप्लाज्म जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है
वो बच्चों के अंदर 60% बच्चों के अंदर कैंसर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक एज फैक्टर है। कॉमन नियोप्लाज्म जो बचपन में देखने को मिल रहे होते हैं उनको अपन स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर कहते हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल है न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, मैंने आपको किडनी में पढ़ाया था ये ट्यूमर, रेटिनोब्लास्टोमा आई का, एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लड का, और रेबडोमायोसार्कोमास। ये वो कैंसर हैं जो कि बचपन में कॉमनली देखने को मिल रहे होते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर कहते हैं। अब कौन कौन सी जगह के बच्चों में कैंसर देखने को मिलता है, तो बोन और मैरो के ट्यूमर, जैसे एक्यूट लिम्फोटिक और ल्यूकीमिया, लिम्फ नोड और लिम्फॉइड टिश्यू के लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फ नोड और लिम्फॉइड टिश्यू के दूसरे में बर्किट्स लिम्फोमा आता है, सेरेबेलम का मेड्यूलोब्लास्टोमा, रेटिना का रेटिनोब्लास्टोमा, एड्रिनल मेड्यूला का न्यूरोब्लास्टोमा, किडनी का नेफ्रोब्लास्टोमा, लीवर का हिपेटोब्लास्टोमा और बोन का ऑस्टियोसार्कोमा चाइल्डहुड नियोप्लाज्म के एग्जाम्पल हैं। तो बस ये सारे हमने पढ़े, एपिडीमियोलॉजी पढ़ ली, CIS मैंने आपको बता दिया। CIS का एक और चीज़ बता दूँ कि CIS का जैसे सर्वाइकल का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक और CIS का एग्जाम्पल है वो है ब्रेस्ट कैंसर, वो भी फीमेल्स के अंदर देखने मिलता है। सर्वाइकल भी फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल्स में। और फीमेल्स का जो है CIS है ब्रेस्ट का, वो दो तरह का देखने मिलता है, LCIS और DCIS, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू और डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। LCIS ऑब्वियस है मिल्क के लोब्यूल्स या आप कहिए मिल्क की ग्लैंड तक लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमने कहा ना CIS तो एक जगह तक ही लिमिटेड रहता है, तो वो मिल्क ग्लैंड तक लिमिटेड रहता है, जबकि DCIS मिल्क की डक्ट तक को इन्वॉल्व कर रहा होता है, डक्ट तक लिमिटेड रहता है। तो इस DCIS की वजह से, डक्टल कार्सिनोमा इनसिटू की वजह से, प्रोलिफरेटिव सेल्स जो है वो मिल्क डक्ट में इकट्ठी हो जाती है, तो मिल्क डक्ट को ब्लॉक कर देती है और वो मैमोग्राफी में दिखाई देती है। मैमोग्राम इसके लिए करवाया जा रहा होता है, तो कैल्सीफाइड जो है वो मिल्क डक्ट्स दिखाई दे रही होती हैं, और उस केस के अंदर लीकेज वगैरह ब्रेस्ट से देखने को मिल रहा होता है, चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर, इसी DCIS LCIS के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। आपके क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं ब्रेस्ट कैंसर में, आता तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें मैंने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया था, डिम्पलिंग वाला, कलर चेंज वाला, लीकेज वाला, निप्पल के चेंजेस वाला, वो डायग्राम इसके अंदर बनता है। LCIS इन्वेजिव कार्सिनोमा और नॉन इन्वेजिव कार्सिनोमा हम लोग दो टाइप के CIS के अंदर पढ़ते हैं, तो नॉन इन्वेजिव का एग्जाम्पल है LCIS, और DCIS नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव दोनों तरह का होता है। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। एक पॉइंट और बता दूँ कि LCIS नॉन इन्वेजिव होता है, पर फिर भी इसके दोनों ब्रेस्ट में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जब डॉक्टर ट्रीट करता है तो वो ये सजेस्ट करता है कि इसमें दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करवाया जाए, ताकि ये स्प्रेड ना करे या दूसरी ब्रेस्ट में इसके होने के चांसेस ना बढ़ जाए। और वैसे भी CIS की एक खासियत है कि जब आप डॉक्टर को ये दिखाने के लिए जाते हैं CIS के केसेस, तो उसमें डॉक्टर उसको प्री कैंसर स्टेज बताता है, ना कि कैंसर स्टेज बताता है, और वो ये कहता है इसको जल्दी जल्दी ट्रीट करवा लीजिए, अदरवाइज ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसके साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ